गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनू तंबोली फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल. सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 7 इन अवर साइंस सब्जेक्ट एंड ऑल्सो बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रूफ्स. रूफ्स का टाइप क्या क्या होता है? ओके, सो रूफ क्या होते हैं? जो छतें होती है ना, जो घर होते हैं उनकी छतें होती है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले. तो रूफ्स मे बी फ्लैट और स्लोपिंग. जो रूफ्स होती है, छतें होती है, वो फ्लैट भी होती है और क्या होती है, स्लोपिंग भी होती है, मतलब ऐसे फिसलनदार भी होती है. पीपल लिविंग इन प्लेन्स बिल्ड हाउसेस विथ फ्लैट रूफ्स. ओके, पीपल लिविंग इन प्लेन्स बिल्ड हाउसेस विथ फ्लैट रूफ्स. ऐसे पीपल जो प्लेन्स पे रहते हैं, है ना, उनके घर होते हैं ना, कैसे होते हैं, फ्लैट रूफ्स के होते हैं. जो नॉर्मली जैसे अपने प्लेन्स क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ लैंड का एक टाइप होता है ना. प्लेन्स वाले ना प्लेन्स पे रहते हैं, वो अपने घरों की कैसे बनाते हैं, रूफ छतें फ्लैट बनाते हैं, समतल बनाते हैं. पीपल लिविंग इन हिल्स एरिया बिल्ड हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स. और कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो कहाँ रहते हैं, हिल्स एरिया, मतलब ऊंचे स्थानों पे, क्षेत्रों पे रहते हैं, लाइक माउंटेन्स पे रहते हैं. वो अपने घरों की रूफ्स कैसे बनाते हैं, स्लोपिंग, मतलब ऐसे स्लाइड वाली बनाते हैं. क्यों? ताकि इजीली जो हैवी रेन वाटर होता है, रेन होती है या स्नो होती है, वो आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाए. ओके, क्यों? क्योंकि स्लोपिंग रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन टू स्लाइड डाउन इजीली. ओके, सो एज यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर इट्स डिस्क्राइब द फ्लैट रूफ एंड द नेक्स्ट पिक्चर इट्स क्या बता रही है, इट्स डिस्क्राइब अबाउट द स्लोपिंग रूफ. स्लोपिंग क्या होती है, ऐसे फिसलनदार, जैसे हटकी होती है ना. अब देखो क्या है, एट प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैविली पीपल मेक हाउसेस ऑन वुडन पोल्स. जहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, हैवी रेन होती है, वहां पे लोग क्या बनाते हैं, अपने घर को लकड़ी के पोल से बनाते हैं, वुडन जो लकड़ी होती है ना, उससे बनवाते हैं. और सच हाउसेस आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस. ऐसे जो घर होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टिल्ट हाउस कहते हैं. ओके, और नेक्स्ट क्या है, इग्लू के बारे में है. अ हाउस मेड ऑफ आइस इज कॉल्ड एन इग्लू. कुछ ऐसे घर होते हैं जो किससे बने होते हैं, आइस से बने हुए होते हैं, ब्लॉक ऑफ आइस, है ना, उसमें उसे क्या कहते हैं, इग्लूज कहते हैं. इग्लूज में कौन रहता है, स्किमोज रहते हैं, स्किमोज लीव इन इग्लूज. ओके, और इग्लू कैसे हाउस होते हैं, कोल्ड हाउस होते हैं. इट्स एक्सरसाइज, वी नीड अ हाउस टू लीव इन. हमें रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, हाउस की. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. जो कच्चा हाउस होता है वो मड से और स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं. नेक्स्ट वन इज हियर, अ पक्का हाउस इज अ स्ट्रॉन्ग हाउस. जो पक्का हाउस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाउस होता है. A house boat is a house on a boat. House boat कैसी होती है, एक house होता है जो किस पे होता है, boat पे होता है. तो ऐसा house जो boat पे होता है, चल एक place से दूसरी place पे move हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, house boat. Caravans क्या होती है, caravan होती है जो wheels पे चलती है, is a house on wheels. Okay? Now next is here types of clothes. ओके, टाइप्स ऑफ क्लॉथ, मतलब जैसे कि घरों के प्रकार अलग अलग होते हैं ना, उसी प्रकार से कपड़े जो हम पहनते हैं ना, वो भी हम सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग पहनते हैं. कैसे, जैसे कि वी वेयर क्लॉथ्स बिकॉज क्लॉथ्स वी वेयर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं, कौन कौन से कपड़े, जैसे कि कॉटन क्लॉथ हो गया, है ना, और क्या हो गया, वुलन क्लॉथ हो गया, ये सारे हम कब कब पहनते हैं. We wear clothes because they protect us from heat, cold, rain and wind. हम क्या करते हैं, कपड़े क्लॉथ्स पहनते हैं किस लिए, क्योंकि जो कपड़े होते हैं वो हमें किस किस से बचाता है, हिट से, गर्मी से, कोल्ड मतलब ठंड से, रेन मतलब वर्षा से, और विंड मतलब हवा से, तेज हवाएं होती हैं उनसे बचाते हैं. सो वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन. तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसम में. ओके, लाइक ये क्या है, कॉटन क्लॉथ. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन टू कीप आवरसेल्फ कूल. ओके, हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं क्यों, खुद को कूल रखने के लिए समर सीजन में. समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके, एंड वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन टू कीप आवरसेल्फ वार्म. और हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, उन्हीं कपड़े पहनते हैं कौन से सीजन में, विंटर, दैट मीन सर्दियों में. वी वेयर रेन कोट एंड कम
ऑन बोट्स एंड कैरी एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। हम बारिश के मौसम में रेनकोट पहनते हैं। ओके, अलग अलग सीजन है और सीजन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं। नाउ इट्स टाइम टू आवर एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर वन, अ हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ इज, एक ऐसा घर जो मड और स्ट्रॉ से बना होता है, विच इज अ कच्चा हाउस। नेक्स्ट इज, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन, हम गर्म कपड़े पहनते हैं किस, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। नेक्स्ट, अ टेंट इज मेड ऑफ, टेंट किससे बने हुए होते हैं, अ थिक क्लॉथ कौन सा होता है, कैनवास। ओके, स्टिक द करेक्ट स्टेटमेंट राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। ओके, आपको क्या करना है, राइट रॉन्ग का यूज करना है। नंबर वन क्या है, ऑल ऑफ अस डू नॉट नीड अ हाउस टू लिव इन, क्या हमें घर में रहने की, घरों की आवश्यकता नहीं होती रहने के लिए, होती है, तो ये होगा क्रॉस। ऑल ऑफ अस डू नॉट नीड अ हाउस टू लिव इन, इट विल बी फॉल्स। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड स्टोन, स्टोन्स इज कॉल्ड अ पक्का हाउस। एक ऐसा घर जो किस किस से बनता हो, ब्रिक्स से, सीमेंट से और स्टोन से, उसे क्या पक्का हाउस कहते हैं। यस, पीपल लिविंग इन हिल्स एरिया बिल्ड हाउसेस विद फ्लैट रूफ्स, ऐसे लोग जो हिल्स मतलब ऊंचे जगह पे रहते हैं, वो अपने घरों के छते कैसे बनाते हैं, वो अपने घरों के छते फ्लैट बनाते हैं क्या, नो इट विल बी फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो हिल्स एरिया पे रहते हैं उनकी रूफ्स होती है स्लोपिंग। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम कॉटन क्लॉथ समर में पहनते हैं, समर सीजन में। यस इट्स ट्रू। एंड अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, क्या हमें अम्ब्रेला रेन से प्रोटेक्ट करता है, यस इट विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच वन मैच दी फॉलोइंग क्लॉथ्स विद सीजन्स। ओके, नंबर वन देखो किससे है, कॉटन क्लॉथ्स है, वी नो दैट वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। ओके, सो मैच टू वन पिक्चर टू बी ऑप्शन। ओके, एंड नेक्स्ट ये क्या है, रेनकोट है, रेनकोट हम कब पहनते हैं, रेनी सीजन में, और वुलन क्लॉथ्स हम पहनते हैं विंटर में। क्लियर टू यू ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है यहाँ पे, इट्स अ क्वेश्चन आंसर। राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी टू टेम्प्रेरी हाउसेस। टेम्प्रेरी हाउसेस क्या होते हैं, जो वन प्लेस पे, इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो वन आंसर विल बी, नंबर वन आंसर विल बी टेंट, एंड नेक्स्ट इज हाउस बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू परमानेंट हाउसेस। परमानेंट हाउस जैसे कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ओके, व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स, क्वेश्चन नंबर थ्री इज हियर, व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स, वी वेयर क्लॉथ्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। हम इसलिए क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि जो क्लॉथ्स कपड़े होते हैं वो हमें सर्दी, गर्मी, बरसात और हवा, जो बड़ी तूफानी हवाएं होती हैं उनसे, ठंडी हवाएं होती हैं उससे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड मैच देम विद देयर नेम्स। ये क्या है, पिक्चर है अलग अलग रूम्स के, इसमें क्या दे रखे, नंबर दे रखे हैं विद देयर पिक्चर, सो यू जस्ट मैच देम विद देयर नेम्स। इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। लाइक सिक्स नंबर क्या है, लिविंग रूम है, फोर नंबर किचन है, थ्री नंबर क्या है, स्टडी रूम है, वन नंबर क्या है, बाथरूम है, एंड फाइव नंबर पिक्चर इज डिस्क्राइब अबाउट, फाइव नंबर पिक्चर किसे बता रही है, डाइनिंग रूम को बता रही है। ओके, इट्स अ वेरी इजी, सो डू इट एट योर होम, इट्स योर होमवर्क, है ना, ये वाला आप खुद से भी घर पे करने की कोशिश करो एक बार। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हाउसेस एंड राइट देयर नेम्स अंडर ईच पिक्चर। क्या करना, पिक्चर को देखना है और हाउस का नेम लिखना है। फर्स्ट इज कच्चा हाउस, नेक्स्ट हाउस बोट, थर्ड नंबर पिक्चर इज टेंट, एंड फोर कौन सी, कार्बन की। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, इसमें देखो सी क्या है, एक रजनी नाम की गर्ल, रजनी नेम की गर्ल होती है, वो अपनी मदर की क्या करती है, हाउस क्लीनिंग में हेल्प करती है, घर के कामों में हेल्प करती है। ओके, तो इस पूरे जो है ना ये सेंटेंस, इसमें क्या है, रजनी गर्ल है, वो अपने मदर की हेल्प करती है हाउस होल्ड वर्क्स में, घर के कामों में, तो आपको इससे क्या सीख मिलती है, हमें भी ये सीख मिलती है कि वी शुड हेल्प, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, वी शुड हेल्प अदर, हमारा नेचर हेल्पिंग नेचर वाला होना चाहिए, तो राइट विल बी इन लास्ट ऑप्शन।
ये था आज हमारा चैप्टर. आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एज वेल एज यू अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर. सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन रीड दिस चैप्टर ट्वाइसली इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन. सो बेटर यू जस्ट वॉच दिस वीडियो. हाउ मैनी टाइम आप है ना कितने भी टाइम्स इस वीडियो को देख सकते हो ना. वीडियो का यही बेनिफिट होता है. ओके सो ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर.